अरे 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। तो और यारो क्या हाल, आज है 8 सितंबर 2022 और आज है मेरा पहला कॉलेज का दिन। मैंने सोचा क्यों ना यार एक व्लॉग बनाते हैं इसको लेकर, क्योंकि जब भी मुझे आगे देखने का मन करेगा या फिर तुम्हारे साथ शेयर करने में भी यार मज़ा आता है। सो मैं अभी रोड पर आ चुका हूँ, मतलब रोड पर चल रहा हूँ, वैसे आ नहीं चुका। तो अभी हमें मेन रोड पर जाना है जहाँ पे मेरा दोस्त मेरे को पिकअप करके कॉलेज ले जाएगा। बीच बीच में लोग आ रहे हैं ना, तो मेरे को बंद करना पड़ रहा है। और यार अजीब सा लग रहा है आज मुझे, मतलब बहुत दिनों बाद यूँ कैमरा यूँ हाथ में पकड़ के ब्लॉग करने का सोच रहा था, बट अभी वैसी एनर्जी नहीं लग रही मुझे खुद में, पता नहीं मज़े नहीं आ रहे मुझे ब्लॉग बनाने में, धीरे धीरे क्या पता आ जाएगी। और हाँ ब्लॉग ऐसा ही रॉ शूट करूँगा मैं, एडिटिंग में संभाल लेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे, क्या पता कोई कम्फर्ट हो कोई ना हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ ब्लॉग शूट करने में। तो जैसा भी होगा वैसा मैं शूट कर लूँगा, बाकी तो एडिटिंग में संभाल लेंगे। घर से यहाँ तक चलने में यार धूप इतनी हो रही है, पसीने पसीने हो गया मैं तो भाई, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं आजू बाजू में से, बहुत अजीब लग रहा है मेरे को शूट करते हुए। पब्लिक में मैं शायद इतना पब्लिक में पहली बार कर रहा हूँ शूट में, क्योंकि जो लास्ट वाला ब्लॉग था वहाँ पर तो मेरे सारे स्कूल वाले ही थे, उनके सामने तो क्या ही शर्माना, लेकिन यार यहाँ पे बहुत सारे अननोन लोग हैं, रोड पे आते जाते सब देख रहे हैं, मेरे को अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करूँगा, ज़रूर बनाऊँगा मैं ब्लॉग। आ गए हैं भाई मेन रोड पे, अब दोस्त का वेट कर रहा हूँ जो आएगा और मुझे लेकर जाएगा, अभी देखते हो कितनी देर में आता है, ढीला है वैसे तो वो, सॉरी चेतन भाई सॉरी। आ गया चेतन, श्री राम, जा रहे कॉलेज। देखो यार बड़े बूढ़ों ने कहा है जब पुलिस दिखे तब हेलमेट लगाना चाहिए, तो अभी लगाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा लग रहा है, फील आ रही है, कॉलेज जा रहे हैं है? भाई जिंदगी में सब कुछ करना, पर जो दोस्त बोले ना कि इधर रुक मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, उनका वेट मत करना, जो 10 मिनट का बोल के आधा घंटा लगा देते, अब धूप के अंदर ऐसे जल रहे है, गर्मी में मर रहे हैं। ये देखो बैक बेंचर, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। बेटे बेटा मौज कर दी, हम ऐसे वैसे राइडर नहीं है, हम प्रो राइडर है। तो भाई फोन उड़ जाएगा मेरा, मैं अंदर ही रख देता हूँ, बाद में दिखाऊंगा तुमको हर चीज। रोहन PCA में प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो क्या चलाएंगे, गटर टैंक। अच्छा भाई यहाँ पे आगे खड़े हुए, अब पता नहीं चल रहा कि इधर करना क्या है, सब जने यहाँ पे खड़े हो रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ तो हो रहा है, क्या पता यार कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। सब बना रहे, मैं भी बना लेता हूँ, ये तो आईफोन वाला। अरे भाई यहाँ पे पता नहीं फीस काउंटर पर ही बहुत सारे कुछ डेकोरेशन कर दिया था, और वहीं पर ही कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, क्या पता फीस लेने के नए तौर तरीके तो नहीं निकले गए। ये बातें बताई नहीं जाती। BCA के बाद प्लेसमेंट मिलती है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले इतनी भीड़ थी भाई, एक भी बंदा नहीं दिख रहा अंदर। तो अभी कॉलेज में आ गए हैं सेकंड बार, ठीक है अब देखते हैं क्लास व्लास में जाने का क्या सीन है। प्रसाद भाई कुछ भी बोलो, देसी घी की बूंदी थी। ये तो धोती खोल रहा है, लाइट ही गई हम आए, लाइट ही गई। चलो भाई ये है क्लास, भाई ऐसी बेंचों की आदत नहीं है। ये देखो भाई ये है पूरी क्लास, भाई ये रील वाला नहीं लग रहा, कन्नू जिम वाला। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो ए कुड़ी, ये पटाकी नहीं फसनी। ये क्या सीलिंग है, जूते वालों के गोडाउन ऊपर होते ना, छोटू 6 नंबर निकाल। भाई क्लास में एसी नहीं है, क्या करे तेरे क्लास में। अच्छा
कितना भी सच नहीं बोलना था। एडमिशन के टाइम पे जो सपने दिखाए थे ना सारे चूर चूर हो गए, पूरा चिट्टा पिट्टा खुल रहा है कॉलेज का। अभी अभी पहला लेक्चर खत्म हुआ है। A few moments later. ऐसा लग रहा है स्पोर्ट्स की जगह रैगिंग होने वाली है, सीनियर्स वगैरह कुछ करने वाले हैं। ऐसा कुछ कॉलेज है, वो हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे घंटे से सीनियर्स आके कुछ माइक पे भैबे भैबे कर रहे हैं। ये पैम्पलेट दिए, ये पता नहीं 1,00,000 कैश प्राइज, पता नहीं वो भी सब में बांट देंगे। भाई भाई क्या कॉलेज है भाई। चलो भाई लगता है पहला दिन तो निकल गया ऐसे ही जा रहे घर। कोई एक टीचर था जो गुटखा खाते हुए हमको टूर करवा रहा था कॉलेज का। भाई देखो ये मस्त एडिट करिए, पीछे से बैकग्राउंड हटा दिया। कॉलेज की कैंटीन दिखाता हूँ अब तुमको मैं। ये तो कैंटीन है, ढाबा यहाँ सबसे रिव्यू लेते कि उन्हें ये कॉलेज एके धर्मशाला कैसी लगी। रोहन जी बताइए। पहली बात इससे बढ़िया कोई गांव के धर्मशाला में चले जाओ। तो यार सीन कुछ ऐसा है, अभी अभी जस्ट निकले कॉलेज से और अब देखते हैं किधर कहीं जा रहे हैं। उधर कुछ खाना वाना खाएंगे देन उसके बाद में घर जाएंगे। और सही बताऊँ ना, कॉलेज का पहला दिन खराब गया यार, अच्छा नहीं गया, मतलब मज़े नहीं आए जैसा सोच रहे थे, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी मैं व्लॉग यहाँ पर तो एंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अभी जैसे कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो इसलिए मैं अभी जो फ़ोन है अंदर ही रख रहा हूँ। कुछ शूट करने का होगा तो कर लूँगा, वरना कुछ अभी बताने को है नहीं। A few moments later. तो बस यार वो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। और अभी जस्ट मैं कॉलेज से घर आया हूँ, थोड़ा सा थक चुका हूँ, बट व्लॉग एडिट करना है मुझे पता है, या तो आज आ जाएगा या फिर कल तो पक्का आएगा ही आएगा। और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाओ, और अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट दिखाओ अपना। इसी के साथ लव यू ऑल, बाय।